farewell ceremony has been arranged in the honor of our beloved Chief Commissioner, Dr. Aftab Imam, who has not only been our Chief Commissioner, but he has been our mentor, our guide, and our leader. मुझे मेरी दिल की कैफियत बहुत अजीब है. जब भी आप अलग होते हैं तो आपके जज्बात उमड़ आते हैं, ये नेचुरल है. बेशुमार शाह साहब के अशार में कह सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक दो अशार कहना चाहूँगा, क्योंकि आई बिन लव विद शाह पोइट्री. शाह साहब फरमाते हैं कि मोहब्बत बाहे मन में रंडा रोड़ा जिन तिन जो सराफन अण तो रो अघायो. पुराने दौर में ये रेशम बनाया जाता था, उसके लिए धागे बनाए जाते थे. तो धागे बनाने के लिए ये ज़रूरी होता था कि जितना पतला और बारीक होगा उतना ज़्यादा उस कीमती होता था रेशम. और सराफ जो सोनार को कहते हैं, वो रेशम लेने वाले को भी सराफ कहा जाता था. तो वो रेशम जब ले जाया जाता था तो उसकी कीमत होती थी कि वो कितना महंगा और कितनी नफासत से उसको बनाया गया. तो शाह साहब कहते हैं कि मोहब्बत पाए, यानी जिन्होंने खुलूस नीयत और मोहब्बत अपने दिल में रखे, अगर वो जो रेशम को बनाया लेकिन उसमें गांठें रह गईं, तो गांठें पड़ने वाले को तो सराफ बिल्कुल ही फेंक देते थे, वो कीमत की तो दूर की बात है. तो वो मोहब्बत और खुलूस नीयत से अगर आपने रेशम बनाया लेकिन उसमें गांठें पड़ गई, तो भी सराफ उसको बगैर तोले हुए एक्सेप्ट कर लेता था. और यही बात जो है खुदा ताला की, रब्बे कायनात की अजमत है कि आप अपनी मोहब्बत दिल में खुलूस नीयत और कितनी लगानियत से लगाइयत से आप जो है वो काम करते हैं अपने काम. तो अगर आपने खुलूस नीयत से काम किया हो, तो अगर आपका काम गलत भी हो गया तो अल्लाह ताला उसको एक्सेप्ट कर लेता है बगैर तोले हुए. तो यही अल्फाज, यही कैफियत मेरे दिल की है कि हमारे चीफ कमिश्नर साहब ने, डॉक्टर आफताब साहब ने हमें ये सिखाया कि नीयत, आपकी नीयत बहुत मैटर करती है. तो आपने अपने काम सिद्ध के नीयत से अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के करने हैं. तो सर, आपसे हम अलग कभी नहीं होंगे, लेकिन फॉर टाइम बीइंग ये एक प्रोसेस है कि हर किसी आता है, फिर ट्रांसफ़र भी हो जाता है, लेकिन मोहब्बतें और हमारे जो जो रिश्ता रहा वो कायम और दायम रहेगा. तो आपने सर यहाँ पे जो खूबसूरत यहाँ पे उसूल अपनाए, जिसमें कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था सिटी ऑफ फैमिली का, कि वी वर्क लाइक ए फैमिली. हमें कोई स्टाफ और ऑफिसर सारे देवर बिहेव, देवर ट्रीटेड लाइक ऑफिसर फैमिली मेम्बर्स. और आपने बड़े भाई की हैसियत से हमें, पेरेंट की हैसियत से हमें यहाँ पे ट्रीट किया, भाई के बच्चे बेटी के हैसियत से. ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ये हमारा मोटो रहा और हमने उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली और कमिटमेंट के साथ निभाया. सर, इस वक्त यकीनन सारे ऑफिसर्स की कैफियत वही होगी जो मेरी है. हम बहुत मशकूर और ममनून हैं, बहुत तहे दिल से आपको, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके साथ जो भी वक्त गुज़रा बहुत ही अच्छा गुज़रा. आपकी सबसे बड़ी बात काइंडनेस थी, आपके हार्ट से जो जनरसिटी और आपकी काइंडनेस, वो हर लम्हे और हर आपके वर्ड में दिखती थी. और आप सारे ऑफिसर्स की मैं जो इस वक्त जो आपकी कैफियत है उसकी तर्जमानी करते हुए डॉक्टर साहब को मैं थैंक यू कहता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे साथ रहे और इतना खूबसूरत वक्त हमने बिताया. शाह साहब ने एक ये कहा था कि मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़ा जिन तिन जो सराफन दुको दखल न कहो. दूसरी शायर है, सॉरी, मोहब्बत पाए मन में रंडा रोड़ा जिन तिन जो सराफन अण तोरो अघायो, ये मैंने पहले पढ़ा था. उसकी दूसरा बैत है कि मदी रखी मन में सना कत्या जिन तिन जो सराफन दुको दखल न कहो. यानी ये उसकी रिवर्स है कि जिन लोगों ने बदनीयत नीयत बद रख के बहुत ही बारीक रेशम बनाया, लेकिन खुदा ताला की अजमत ये है कि उनका एक टुकड़ा भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया,
तो जो वली साहब ने कहा था, मैं उसको ऐड करके कहूँगा कि नीयत मैटर्स। अगर नेक नीयती के साथ आप, गलती भी हो जाती है तो खुदा ताला आपकी गलती को भी सीधा करके आपको सुरखरू कर देते हैं, लेकिन अगर बदनीयती से के साथ आपने किया तो आप कितना भी महारत से और मेटिकुलस हो जाएं, लेकिन खुदा ताला की ये उसकी ग्रेटनेस है कि वो फिर उसका एक टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते। विद दिस थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद अस, और अब लंच के लिए सर तशरीफ। थैंक यू वेरी मच।